हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट SHM। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, 1, 2, 3, 4। और हमें आइडेंटिफाई कई करना है सिंपली, मतलब कौन सा SHM है और कौन सा SHM नहीं है। सबसे पहला जो चीज है दैट इज की कंसेप्ट, वो मैं लिख देता हूँ। की कंसेप्ट, जो की कंसेप्ट हम लिख सकते हैं वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM। ये आपका मतलब बेसिकली जो सवाल दिया हुआ है ये वाला, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ SHM इस कंसेप्ट पे ही है। सबसे पहला जो मैं बोल देना चाहता हूँ, वाई जो SHM का इक्वेशन होता है जनरली, मतलब अगर आप यहाँ इस क्षेत्र में या इस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये आपका SHM का इक्वेशन है। y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस kx, या kx प्लस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब ओमेगा t प्लस माइनस phi, सॉरी kx क्यों लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा t प्लस माइनस phi इस रिप्रेजेंट में है। मैंने वेव का इक्वेशन लिख दिया था गलती से, प्लस phi। तो ये आपका SHM का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ SHM। तो यहाँ पे अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, आपको ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, आपको समझ में आ रहा है, ताकि थोड़ा सिमेट्रिक टाइप बने इक्वेशन, और आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री में के फॉर्मूले में आप अगर इसको पुट कर सकते हैं उसी तरीके से, 1/√2 से ऊपर नीचे गुना भाग, बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, √2 sin ωt cos 45 माइनस साइन 45 कॉस ओमेगा टी। सो ये जो ऑप्शन है, मैं पहले लिख देता हूँ ओमेगा टी, तो ये ऑप्शन बेसिकली साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री का एक्सप्रेशन है, क्योंकि साइन ए माइनस भी होता है, साइन ए कॉस भी, माइनस कॉस ए साइन भी, उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन आ गया। तो ये आपका SHM रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर क्या है, हमें तो ऑल टोटल सारे निकालना है। नेक्स्ट इज साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का क्यूब, देखते हैं सेकंड, वाई बराबर साइन ओमेगा टी का क्यूब। इसको अगर आप मतलब फॉर्मूले तो आप जानते ही होंगे, साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x बराबर 3 sin x - 4 sin cube x। इस हिसाब से अगर आप साइन क्यूब एक्स को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो होगा 1/4 3 sin x - sin 3x। उस हिसाब से अगर आप इस ऑप्शन में मतलब एक्स की जगह से वो ओमेगा टी पुट करना है, तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा, सॉरी एस क्यू लिख रहा हूँ, 1/4 3 sin ωt - sin 3 ωt। So this is मतलब the equation, and this is not does and this does not imply equation of SHM, so this is a incorrect option. तो नहीं है, और 3 में जाते हैं। अभी एक सिमिलरली अगर ये cos फाइव माइनस ये वाला कॉस को अगर हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या है, 5 cos 3π, कॉस वाई बराबर 5 cos 5, एक बार देख लेते हैं, 5 cos 3π/4 - 3 ωt। So this will be a correct option, because cos 5 minus kx is also a sorry, 5 cos 5 plus ωt is also a correct option. तो ये आपको पता है, ये भी equation of SHM है, ऐसे अगर आप ऐसे बोल सकते, y बराबर a sin kx
प्लस ओमेगा टी, वैसे ही कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी को आप अगर अच्छे से इसको अच्छे से रिजोल्व करेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। सो वन और थ्री तो दोनों ही ऑप्शन है। वन प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो पैराबोलिक टाइप का इक्वेशन है तो इसको तो कतई हम नहीं कर सकते। वन फोर्थ है ना, वन प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर कैन नॉट रिजॉल्व इनटू इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। अब जाते हैं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं। सो वन एंड थ्री, सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।